नमस्कार। भारतीयों के लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि आज एक भारतीय मूल के व्यक्ति भारतवंशी अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये नोबेल पुरस्कार उन्हें संयुक्त रूप से उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ है। भारतीयों के लिए बहुत ही हर्ष और गर्व का विषय है। 1998 में आमत्त सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था, उसके पश्चात ये द्वितीय भारतवंशी हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है और दोनों ही व्यक्ति प्रमुख रूप से बंगाली पश्चिम बंगाल से हैं, बिलोंग करते हैं। सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि आखिर ये पुरस्कार देता कौन है। तो ये पुरस्कार मुख्य रूप से स्वीडिश नोबेल अकादमी प्रदान करती है और ये जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है ये वहाँ का जो प्रमुख सेंट्रल बैंक है सेवरिंग्स रिक बैंक वो प्रदान करता है। वर्ष 1969 से नियमित तौर पर अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है और इस वर्ष के पश्चात से किसी भी वर्ष नोबेल पुरस्कार देने में ब्रेक नहीं आया। हम जानते हैं कि आखिर अभिजीत बनर्जी को ये जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो उनके किस कार्य के लिए मिला है। तो अभिजीत बनर्जी ने मुख्य रूप से डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पे कार्य किया है। देखिए, होता क्या है कि आमतौर पर अभी तक जो नोबेल पुरस्कार मिल रहे थे अर्थशास्त्र में वो आमतौर पर थ्योरी वाले पार्ट पर ज़्यादा मिल रहे थे। ये ऐसा बहुत कम होता है या ये पहली बार ही हुआ है कि डेवलपमेंट इकोनॉमी पे, यानी इकोनॉमी के जो प्रैक्टिकल पक्ष है उस पर कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया गया है। उन्होंने प्रमुख रूप से अभिजीत भट्टाचार्य, उनकी पत्नी और माइकल क्रेमर ने जो गरीब लोग हैं, अनडेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड क्षेत्रों में जो गरीब लोग रहते हैं उनकी समस्याओं पर काम करने की काम किया है। पिछले लगभग 20 वर्षों से वो काम कर रहे हैं। प्रमुख रूप से हमें ये जानना आवश्यक है यहाँ पर कि उन्होंने एक सिद्धांत जो उनका था जिसको कहते हैं RCT, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, उस थ्योरी का इस्तेमाल किया। इसमें वो ये समझाने में सफल रहे पूरे विश्व को कि इकोनॉमी की एक प्रॉब्लम एक सलूशन प्रत्येक देशों पर लागू नहीं होता, इसके लिए अलग अलग देशों को अलग अलग तरीके से अलग अलग उनकी परिस्थिति के संदर्भों में व्याख्या करना पड़ेगी। एक देश की कुछ समस्या हो सकती है, उसका सलूशन कुछ और हो सकता है। दूसरे देश की समस्या अलग हो सकती है, उसका सलूशन कुछ और हो सकता है। तो अभिजीत बनर्जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से इसे व्याख्या किया है कि किस तरह से गरीबों को, गरीबी की समस्या को दूर किया जा सकता है, अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके के सिद्धांत अपना के इसे किया जा सकता है। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है पुअर इकोनॉमी, जो काफ़ी पॉपुलर भी रही है। हमें ये समझना भी यहाँ ज़रूरी है कि अभिजीत भट्टाचार्य के जो माँ बाप हैं वो भी अर्थशास्त्री हैं और उन्होंने जो एस्थर डुफ्लो से शादी की है वो वर्ष 2015 में की है और वो भी अर्थशास्त्री हैं और वो भी भारत का भ्रमण कर चुकी हैं अभिजीत बनर्जी के साथ। अभिजीत बनर्जी MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर हैं, वहाँ उनकी पत्नी भी प्रोफेसर हैं फिलहाल। और जो माइकल क्रेमर हैं, जो तीसरे जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है, वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। तो ये भारतीय संदर्भ में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार निश्चित तौर पर बहुत ही गर्व का विषय है भारतीयों के लिए। अब हमारी सरकार को ये अभिजीत बनर्जी का जो रिसर्च है, जो उन्होंने क्षेत्र में शोध किया है, उसका लाभ लेने के लिए निश्चित तौर पर उनसे सहयोग प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि उन्हें भारतीय परिस्थिति, भारतीय गरीबी, भारत में जो अर्थव्यवस्था से जुड़ी प्रॉब्लम है उनके बारे में पता है। तो हमें उनसे सहयोग लेकर और भारत की गरीबी के क्षेत्र में दूर करने, भारत की गरीबी को दूर करने के प्रयास करना चाहिए।